मरोड़ा में एक गाड़ी ने पीछे से मारी ऑटो में टक्कर। एक युवक के दोनों पैर टूट गए, कई गंभीर रूप से घायल। युवक के दोनों पैर टूटे हैं, उसको आज डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि लीवर काफी डैमेज हो गया है, पेट में ब्लड जम रहा है। पुलिस ने अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आपकी जानकारी लिए बता दें कि गत 6 तारीख को मरोड़ा गांव के पास हुआ सवारियों से भरा ऑटो में पीछे से कार ने टक्कर मार दी, जिसमें आधा दर्जन सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। अफजल पुत्र फारूक उम्र 19 साल निवासी शेखपुर मेवली के दोनों पैर टूट गए, जिसका इलाज शहीद हसन खां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। अफजल की बिगड़ती हालत को देखते हुए आज डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया है। लीवर में ज्यादा दिक्कत, जख्म व खून जमा हुआ है, चेस्ट ट्यूब डाली हुई है। फिलहाल अफजल को पीजीआई रोहतक ले जाया जा रहा है सरकारी एम्बुलेंस द्वारा। घायल अफजल के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि हमारा मुकदमा दर्ज करें, हम अपने लड़के का इलाज कराते रहें, हमें अभी भी टाइम नहीं मिला है। अब रोहतक जा रहे हैं, वहां अफजल को एडमिट कराकर चौकी आंकड़ा पहुंचेंगे और अपनी कार्रवाई करवाएंगे। हम आपका मुबारक हुसैन, जो 6 अगस्त को सवारियों से भरा ऑटो में कार ने टक्कर मार दी थी, इसमें आपके भी भतीजे थे जी। क्या नाम है, कितनी चोटें आई इनको? ये इसका नाम अफजल है, ये मेरा भाई का लड़का है, मेरा भतीजा है, और एक कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, उससे इसका एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ कहाँ चोटें आई इनको? दोनों पैर टूट चुके हैं और इसके चेस्ट में लीवर में चोट है और ब्लड भी जम रहा है फेफड़ों पे। अब फिलहाल कहाँ के ले लेके जा रहे हैं इनको? यहाँ से रेफर कर दिया है रोहतक ट्रामा सेंटर, तो वहाँ के लिए भी इसको लेके। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। उन्हें कॉल आया था तो हम इसके इलाज में लगे थे, तो टाइम नहीं मिल पाया, तो उसका कॉल आया पुलिस का, अभी पहुँचे नहीं हम वहाँ। अब फिलहाल रोहतक जा रहे हैं, रोहतक से एडमिट को दाखिल कर फिर वहाँ पर पुलिस के पास जाएंगे। जी जी। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं पुलिस से? पुलिस से हमारी यही उम्मीद है, हमारा मुकदमा दर्ज करें और हमें इंसाफ मिले, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर मारी। आपका इलियास है जी मेरा नाम। जो ये एक्सीडेंट हुआ आपके पोतों का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कब एक्सीडेंट हुआ था? 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, ये शाम को। किस चीज़ से हुआ था? और ये छोटी गाड़ी थी, उससे हुआ था लापरवाही की वजह से, गाड़ी वाला ने लापरवाही करके। ये किस चीज़ में बैठे थे? ये टेम्पो में बैठे थे, 3 पहिया के ड्राइवर। आपके जो पोते थे, क्या क्या नाम था, कितनी चोट आई इनको? चोट तो काफ़ी आई थी, पैर भी टूट गए दोनों, और दिल में भी और छाती में भी चोट है, और उसको वहाँ से लाकर हम मेडिकल दाखिल करे, उसमें इलाज कराया, अब यहाँ से लेकर उनको रेफर। तो कौन से गाँव है आप लोगों का? गाँव शेखपुर जी, मेवली के पास में। मेवली के पास शेखपुर गांव है। अब कहाँ के ले जा रहे हैं इनको लेके? फिलहाल तक के लिए रेफर किया है। पुलिस में शिकायत दी आप लोगों ने? अभी तक हम पहुँच ना पाए पुलिस में, लेकिन इसको आप जाकर हम सुबह पहुँच रहे हैं। अच्छा, इलाज में लगे रहे अभी इनका? इलाज में लगे रहे, अभी रोहतक जा रहे हैं, सुबह उसके पास पुलिस पहुँचेंगे।